आपको घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है वो बताएंगे, क्लास 7 चैप्टर 2। तो प्यारे बच्चों, घास खाने वाले यानी कि गायें, जैसे कि गायें, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि, यानी कि जो जंतु घास खाते हैं उनके पाचन तंत्र में क्या क्या होता है वो वर्णन करेंगे। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि घास, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि में जो पाचन तंत्र है उसका डायग्राम कैसे बनता है, फिर उसका नामकरण करेंगे और फिर एक एक बात को क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं किसी भी घास खाने वाले जंतु का। तो प्यारे बच्चों, ये घास खाने वाले जंतुओं का पाचन तंत्र है। घास खाने वाले जंतुओं का पाचन तंत्र, इसमें क्या क्या होता है प्यारे बच्चे? ये मुख है, ये ग्रीसिका है यानी कि भोजन वाली नली, प्यारे बच्चों ये क्या है जो किसी भी रूमिनेंट यानी कि घास खाने वाले जंतुओं का एमएसआई का एक इम्पोर्टेंट भाग, जिसको हम रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमेन। प्यारे बच्चों, ये उक्षदांतर, ये बृहदांतर यानी कि बड़ी आंत, उक्षदांतर छोटी आंत, बृहदांतर बड़ी आंत, और ये प्यारे बच्चों अंडनाल। अब इसकी कार्य रेखा कैसे होगी प्यारे बच्चों, हम वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे घास डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, घास यानी किसी भी गाय, भैंस, बकरी ने घास को मुंह में लिया, उसके बाद वो भोजन वाली नली से कहाँ गया? रूमेन में। ये क्या है प्यारे बच्चों? घास। यानी कि क्या करता है, सबसे पहले जो घास खाने वाले जंतु हैं वो भोजन को निगल कर, सारा भोजन को निगल कर क्या करते हैं, वो भंडारित कर लेते हैं किस चीज़ में? रूमेन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो भोजन को निकल कर भंडारित कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, रूमेन से भोजन की छोटे छोटे पिंड यानी कि जंतु क्या करते हैं, उस पिंड को दोबारा मुख में लेके आते हैं। किस में लेके आते हैं? मुख में, जहाँ पर ये चबाते हैं, और जो चबाना होता है उसको हम क्या कहते हैं? रोमंथन परिक्रम। तो प्यारे बच्चों, यानी कि मुख में क्या हुआ, घास कहाँ गया? ये ग्रास नली में, यानी कि भोजन वाली नली में। भोजन वाली नली से कहाँ गया? रूमेन में। तो रूमेन से वापिस यानी कि कहाँ आया? ये मुख में, छोटे छोटे पिंड के रूप में, यानी कि घास से क्या है, ये छोटे छोटे पिंड के रूप में। यहां पर क्या किया फिर दोबारा, यहां पर भोजन को छुपाया गया, यानी कि घास, भोजन का अर्थ है घास को चबाना या तोड़ना। जब भोजन घास को
मुख में चुबाया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं? रोमंथन प्रक्रम। क्या कहते हैं? रोमंथन प्रक्रम। और जिन जंतुओं में होता है ये, उसको हम रोमंथी कहते हैं, रोमंथी या रूमिनेंट। ये है यानी कि कक्षा सातवीं के लेवल के लिए एक आसान सा प्रश्न है, यानी कि सबसे पहले जो घास आया, घास कहाँ गया? भोजन की नली में। भोजन की नली से एमएससी क्या जो इम्पोर्टेंट भाग है, कंपार्टमेंट है, रुमेन में। रुमेन में से क्या कहाँ पर दोबारा कहाँ पर आया? पिंडों के रूप में छोटे छोटे मुख में वहाँ पर चबाया गया, और चुबाने के बाद यानी कि मुख से घास ग्रास नली में गया, फिर रुमेन में गया, रुमेन में से वापिस मुख में आया छोटे छोटे पिंडों के रूप में। वहाँ पर क्या हुआ? भोजन घास को चबाना या तोड़ना, उस विधि को हम क्या कहते हैं? रोमंथन, यानी कि जुगाली करना। इसको क्या कहते हैं? जुगाली करना भी कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इस रुमेन का क्या काम है? रुमेन का काम क्या है प्यारे बच्चों? इस रुमेन में जो घास को क्या करता है, ये घास में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? घास में सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है घास में? सेलुलोज। और सेलुलोज को कौन तोड़ता है? इसके अंदर बैक्टीरिया क्या पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? बैक्टीरिया यानी कि आप इसको जीवाणु भी लिख सकते हैं या प्रोटोजोआ भी लिख सकते हैं। जीवाणु, प्रोटोजोआ, ये दोनों इसके अंदर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया भी और प्रोटोजोआ भी, वो क्या करते हैं? इस का डाइजेस्ट करते हैं घास का, यानी कि सेलुलोज का। सेलुलोज को जब तोड़ करो क्या चीज़ बनाते हैं? विटामिन बी के और एमिनो एसिड। तो प्यारे बच्चों, ये आपका यानी कि रोमंथन विधि क्या होती है, रूमिनेंट क्या होते हैं। मुख में घास को लिया किसी भी पशु ने, घास नली में गया, रुमेन में गया, रुमेन से पिंड में दोबारा मुख में आया, वहाँ छोटे छोटे टुकड़े किए, और उस जो टुकड़े उसको चुबाना या जुगाली करना रोमंथन प्रक्रम कहलाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, कुछ जंतुओं में जैसे कि घोड़ा है या खरगोश है, उसमें क्या है प्यारे बच्चों? ये अंगनाल, इसमें ये कहाँ पर होती है स्थिति? ये छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में। कहाँ पर? छोटी आंत और बड़ी आंत, यानी कि छोटी आंत है उसका अंतर और बृहद अंतर बड़ी आंत है, इसके बीच में एक थैली रुमा संरचना होती है जिसको हम अंगनाल कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? गाल यानी कि सेलुलोज का पाचन होता है, केवल किन में? खरगोश और घोड़ा में, क्योंकि इसके अंदर भी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, इसके अंदर रुमेन नहीं पाया जाता। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए कक्षा सातवीं के लिए है पार्ट वन जो मैंने अब तक कराया। लेकिन प्यारे बच्चों, हायर लेवल एजुकेशन के लिए यानी कि जो 11वीं 12वीं क्लास के लिए, हम पार्ट टू में इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो केवल सातवीं वाले बच्चे, आपने यही करना है कि कैसे घास खाने वाले जंतु भोजन को कैसे खाते हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, मुख से क्या करते हैं? वो घास को लेते हैं, सीधा भंडारित कर लेते हैं कहाँ? रुमेन में। वहाँ पर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं जो भोजन को तोड़ते हैं। कुछ तोड़ने के बाद, कुछ समय के बाद जो भोजन है पिंडों के रूप में मुख में आ जाता है, जहाँ पर वो चबाया जाता है, जिस विधि को हम जुगाली कहते हैं, जुगाली करना, उसको रोमंथन प्रक्रम कहते हैं। रोमंथन प्रक्रम को यानी जो जिस जंतुओं में रोमंथन प्रक्रम होता है उसको रोमंथी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये केवल सातवीं कक्षा के लिए, जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसी में वो हायर लेवल के लिए है, सातवीं वाले बच्चों के लिए नहीं है।
इसको और एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि पार्ट टू है ये, पार्ट टू हायर एजुकेशन वाले स्टूडेंट के लिए। प्यारे बच्चे, इसमें क्या होता है, यानी कि भोजन, यानी कि कोई भी घास खाने वाले जंतु, जैसे कि भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि, ये क्या करते हैं, जो भोजन है यानी कि घास को जो खाते हैं, खाते ही सीधा है, वो क्या कर लेते हैं, रूमेन में भंडारित कर लेते हैं, यानी कि अमैस्य में। तो प्यारे बच्चों, आपने पता होना चाहिए कि अमैस्य के चार भाग हैं। कितने भाग हैं? चार भाग हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रूमेन, सेकंड है रेटिकुलम, थर्ड है ओमेसम, फोर्थ है अबोमेसम। ये केवल सातवीं वाले बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ी क्लास वाले बच्चों के लिए है ये टॉपिक्स। यानी कि जो भोजन गया कहाँ गया? अमैस्य में। अमैस्य के चार भाग हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम। तो चार पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? रेटिकुलम है। सेकंड पार्ट क्या है? रूमेन है। थर्ड पार्ट क्या है? ये एबोमेसम है। और ये क्या है? ओमेसम है। तो प्यारे बच्चों, मैं लिख भी देता हूँ, ये पार्ट है रेटिकुलम, ये रूमेन, ये क्या है? एबोमेसम। और ये क्या है? मैसम, ओमेसम। तो प्यारे बच्चों, यानी कि भोजन सबसे पहले कहाँ जाएगा? प्यारे बच्चों, रेटिकुलम में। रेटिकुलम को क्या बोलते हैं? रेटिकुलम का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? जो जीके का क्वेश्चन है, इसको हनीकम्ब भी बोलते हैं। ऐसा कोई कंपार्टमेंट घास खाने वाले जंतुओं का जिसको हनीकम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं रेटिकुलम को? हनीकम्ब, यानी कि मधुमक्खी का छाता। क्यों? यानी कि जो इसकी जो कंपार्टमेंट है, जो हिस्सा है, ये ऐसा बना हुआ है जैसे कि मधुमक्खी का छाता होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि जब घास खाता है जंतु, उसको एकदम सीधा निकल लेता है। उसके अंदर कोई भी मेटल धातु हो सकती है, कोई लोहा का टुकड़ा हो सकता है, या कोई तार हो सकती है, या कोई अन्य पत्थर हो सकता है। वो क्या होता है, इस रेटिकुलम में, यानी इस हनीकॉम्ब में, मधुमक्खी के छाते की तरह जो संरचना है, इसमें वो रुक जाता है। और जो घास है, यानी कि जो धातु है या अन्य पदार्थ है, वो यहाँ पर रुक जाते हैं। और जो घास है, वो सीधा कहाँ चला जाता है? रूमेन के अंदर। यानी कि जो घास है, वो कहाँ चला गया? रूमेन के अंदर। अब रूमेन क्या, रूमेन में कौन सा डाइजेशन है? इसको हम फर्मेंटेटिव डाइजेशन बोलते हैं। इसमें कौन सा डाइजेशन होता है? यानी कि किण्वन पाचन। कौन सा? किण्वन पाचन। अब किण्वन क्यों बोला गया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि जो घास है, प्यारे बच्चों, घास में क्या है? सेलुलोज। यानी कि प्यारे बच्चों, घास में क्या है? घास में क्या है? सेलुलोज। अब सेलुलोज कौन तोड़ता है? यहां पर क्या चीज पाई जाती है? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। यानी कि रूमेन के अंदर क्या चीज है? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं, वो क्या करते हैं? इस सेलुलोज को तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि जो
बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है कि एवायवीय अब्सॉर्प्शन, उसमें क्या करते हैं वो इसको डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद जो चीज़ पैदा होती है, जो प्रोडक्ट निकलता है, जो उत्पाद निकलता है वो क्या होता है, यानी कि बैक्टीरिया क्या करेंगे, सेलुलोज को तोड़ेंगे, सेलुलोज को तोड़ने के बाद आफ्टर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज बाय बैक्टीरिया क्या चीज़ बनेगी, यहाँ पर क्या प्रोडक्शन निकलेगी, विटामिन बी पैदा होगा, विटामिन के पैदा होगा और फैटी एसिड बनेगा, एमिनो एसिड बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ बनेंगे ये, रूमेन के अंदर बनेंगे, कहाँ बनेंगे ये, रूमेन के अंदर बनेंगे, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, यानी कि जब बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ डाइजेस्ट करेंगे घास वाले यानी कि सेलुलोज को, तो क्या बनेगा, विटामिन बी, विटामिन के, फैटी एसिड और एमिनो एसिड। लेकिन इसमें डाइजेशन कौन सा है पहले बच्चों, फर्मेंटेटिव यानी कि किण्वन पाचन है। जो प्रश्न आता है कि ऐसा यानी घास खाने वाले जंतुओं में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसको हम फर्मेंटेटिव डाइजेशन बोलते हैं, जिसके अंदर किण्वन प्रक्रिया होती है, वो किण्वन प्रक्रिया यानी कि किसके अंदर होती है, रूमेन के अंदर। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो कंपार्टमेंट आता है वो आता है एब्यूमेसन, ये पार्ट यानी कि सबसे छोटा पार्ट, चार पार्ट्स हैं एमएसए के यानी कि घास खाने वाले जंतुओं में, तो एबोमेसम है ये सबसे छोटा है यानी कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, 4% कवर करता है ये केवल, और 83% ये दोनों करते हैं, रेटिकुलम और रूमेन। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या होता है, एबोमेसम के अंदर इसको हम जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर कि कौन सा कंपार्टमेंट है जिसके अंदर केवल एंजाइमेटिकली प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर हार्मोन्स बनते हैं, जिसको ट्रू स्टमक कहा जाता है। प्यारे बच्चों तो इसके अंदर क्या होता है, एबोमेसम के अंदर किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, यहाँ कि यानी कि एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन बनते हैं, किसके अंदर, एबोमेसम के अंदर, इसके अंदर बनते हैं, यानी कि इसको ट्रू स्टमक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रू स्टमक। ये क्वेश्चन बनता है कि घास खाने वाले जंतुओं में कौन सा हिस्सा है एमएसए का, स्टमक का, जिसको ट्रू स्टमक कहा जाता है, तो एबोमेसम एक पार्ट है जिसको ट्रू स्टमक कहा जाता है, जिसकी डाइजेशन है, जिसमें एंजाइमेटिकली डाइजेशन है, वो ऐसी बनती है जैसे कि मानव के अंदर बनती है। अब लास्ट पार्ट है प्यारे बच्चों ओमेसम, ये यानी कि जो ओमेसम है इसके अंदर जो इसकी अंदर की जो लेयर है, एपिथेलियम लेयर है, वो ऐसे बनी है जैसे कि कागज बना होता है, यानी कि जैसे कि कापी बनी होती है, उसके कागज पेज लाइंस में लगे होते हैं, तो ऐसे ही ये होती है। इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी कि जब डाइजेशन हो रहा है सेलुलोज का, तब ये पानी का एब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि ओमेसम क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ड्यूरिंग सेलुलोज फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। तो प्यारे बच्चों फिर यहाँ पर जो प्रोसेस होने के बाद भोजन है, कहाँ जल जाता है, पाचक भोजन, उष्मांतर के अंदर,
और वहाँ से जो अपाचित भोजन है वो वृद्धांतर के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो प्यारे बच्चों चार पार्ट्स हैं एमएसए के, यानी कि घास खाने वाले जंतुओं के, कौन कौन से हैं, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम। चार के चार में से तीन क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, कि ऐसा पार्ट बताओ जिसको हनीकम कहा जाता है। हनीकम किसको कहा जाता है, रेटिकुलम को। हनी यानी कि मधुमक्खी का छत्ता, क्यों, क्योंकि फिल्ट्रेशन करता है ये किस चीज़ का, यानी कि कोई धातु आ जाती है, लोहा आ जाता है, तार आ जाती है। रुमेन में क्या है, किण्वन पाचन है, यानी कि फर्मेंटेशन, डाइजेशन। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको ट्रू स्टमक कहा जाता है, यानी कि एबोमेसन पार्ट है यह पार्ट है जिसको ट्रू स्टमक कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइमेटिकली सिक्रेशन होती है, एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथि अपना काम करती है, तो इसके अंदर ये प्रोडक्शन होता है। और लास्ट है ओमेसम, ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कब, जब सेलुलोज का डाइजेशन हो रहा है, कौन सा, वो ओमेसम। तो प्यारे बच्चों ये आपके लिए चार क्वेश्चन बने पार्ट टू के लिए, यानी कि ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीएमटी की, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है। धन्यवाद।